बाजार में प्रवासी मजदूरों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आकाशवाणी संदेश को सुना और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। दरअसल परसा भदेर गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों के लिए रेडियो की व्यवस्था की गई थी और सभी मजदूरों ने आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे प्रदेश के मुखिया के संदेश को सुना। मुख्यमंत्री ने संदेश में प्रदेश में चल रहे मनरेगा कार्यों, वनोपज, वन ग्रामों में वृक्षारोपण, प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका और भोजन की व्यवस्था जैसे अनेक कार्यों को विस्तार से बताया। प्रवासी मजदूरों ने इसे ध्यान से सुना और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। डरना नहीं, करोना से सिर्फ इलाज की जो दवाई मेडिसिन नहीं आए उनका कारण ही हमारे डरे की आवश्यकता है। और ऐसे कोई बहुत ज्यादा बीमारी भी नहीं है, लेकिन अपन दूरी बनाए रखना है और अपन जो रोजगार का यह है उसको भी चलाते रहना है, लेकिन कोरोना से बचा के चलाना है। कैसे लगी साहब के संदेश आज? आज बहुत अच्छा लगा हम लोग को मुख्यमंत्री जी का संदेश सुनकर। मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये बोला कि राशन जिसका कार्ड भी नहीं है उसको राशन देने के लिए एक आदमी को 5 किलो बोला है और कोरोना के लिए मतलब देना रोजगार हो गया है, उसको रोजगार करने के लिए बोला है महोदय जी ने।